वेलकम फ्रेंड्स। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन कुछ मात्र जन्म ही लेते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जन्म लेने वाले उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही थे ऐसे आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनका जन्म आप जानते हैं बिहार में हुआ था, ऐसा माना जाता है। यानी कि बिहार के आप जानते हैं पटना के समीप कुसुमपुर नाम का एक नगर है, वहां पर माना जाता है कि 476 ईस्वी में भारत के गौरव यानी कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था। और इन्होंने गणित के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हासिल की है वो किसी से छिपा नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इन्हीं के कुछ उपलब्धियों को हम यहाँ पे बात करेंगे आज और इनके बारे में कुछ जानेंगे। इस क्लास को पूरा देखिएगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी। और हाँ, अगर इसको आप लाइक कर दीजिएगा तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और दोस्तों में भी शेयर करिएगा अगर कुछ काम का लगेगा तो। देखिए, ये तो हो गया परिचय, थोड़ा सा हमने जान लिया। अब बात करते हैं ग्रंथ। ग्रंथ के रूप में इनके 3 ग्रंथों की जो है वो जानकारी हो सकी है, क्योंकि बहुत पहले की बात है तो अनुमान ही लगाया जाता है, कोई वहां पे मीडिया वाले रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे जबकि बात है ना। तो जिसमें पहला ग्रंथ है दास गीतिका, और दूसरा आर्यभट्टीय, तीसरा है तंतु। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है आर्यभट्टीय। आप जानते हैं आर्यभट्ट ग्रंथ जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और अगर बात करें तो इनके बारे में और भी चर्चाएं हैं, आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। इनके बारे में एक चर्चा ये है कि इन्हें आर्यभट्ट प्रथम क्यों कहा जाता है, जो मेन आर्यभट्ट है इन्हीं को आर्यभट्ट प्रथम कहा जाता है। आपने सुना होगा आर्यभट्ट द्वितीय भी है, ऐसा मतलब होता क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 476 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। इसी के लगभग में 500 साल के आसपास यानी कि 950 ईस्वी में एक और दूसरे गणितज्ञ का जन्म हुआ, जिनका भी नाम आर्यभट्ट ही था। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा महान धनुर्धर अर्जुन जी थे, और उन्हीं अर्जुन के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम अर्जुन रख देते हैं। तो कुछ ऐसे ही हुआ रहा होगा, इनके माता पिता का कुछ सपना रहा होगा कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर के आर्यभट्ट जैसे बनेगा। और हाँ, बिल्कुल इन्होंने आर्यभट्ट जैसे ही कुछ कार्य किए, और इनको आर्यभट्ट द्वितीय नाम दिया गया, लेकिन जो आर्यभट्ट जी पटना में जन्म लिए थे उनको आर्यभट्ट प्रथम कहा गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस क्लास से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं निसंकोच। और आगे अगर बात करें तो आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ था। ऐसा माना जाता है कि इसमें 121 श्लोक थे। कितना, 121 श्लोक। श्लोक जानते हैं ना, जो संस्कृत में होता है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, है ना। तो वो भाई नहीं था संस्कृत वाला, इसमें गणित के श्लोक थे, अभी आपको बताएंगे आगे। आगे देखिए, जो ये आर्यभट्ट के ग्रंथ थे इनको इनके आने वाली जनरेशन ने बहुत कुछ उसमें इधर उधर किया, खोरा पेची। वो क्या किया, एक दूसरे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी हुए थे, ब्रह्मगुप्त जी ने आर्यभट्ट नाम के जो ग्रंथ था उसको तोड़ दिया और 2 भाग में कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनके लगा होगा इन्हें कि बहुत बड़ा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हम कुछ बदलाव करके इसे आसान कर सकते हैं। तो इन्होंने इसे 2 भाग में तोड़ दिया, जिसमें पहला भाग का नाम दिया दास गीतिका, जिसमें 102 श्लोक था, 102 ही था ना भाई, अभी कंफर्म कर देते हैं। और सॉरी, देखिए इसमें 102 श्लोक नहीं था, ये 10 श्लोक लिखा गया, ये 7 जो है इसमें का है, ठीक है। हाँ, समझ में आया, दास गीतिका में मात्र 10 श्लोक थे। दूसरा था आर्यभट्ट शतम, तो आर्यष्ट शतम था, उसमें 108 श्लोक थे। तो ये आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानकारी हो गई। इसके आगे अभी इन्हीं के बारे में हम और भी अध्ययन करेंगे, बस देखते रहें, पूरा क्लास देखिएगा, क्लास को तुरंत लाइक कर दें। अब आगे हम लोग देखेंगे जो आर्यशतम के भाग किए गए हैं वो कौन कौन से भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आर्यभट्ट ने जो बहुत सारे ग्रंथ बनाए हुए थे उनमें बहुत सारे पार्ट किए गए हैं। जी हाँ, तो आर्यशतम के जो 2 भाग किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ब्रह्मगुप्त जिन्हों अभी आप पढ़ चुके हैं, उन्होंने इसके कई भाग किए और इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आपको दिखाए हैं।
ठीक है, अगर कोई गड़बड़ होगा तो बताइएगा, ठीक है। इसमें तीन भाग मेन है। पहला है गणित पाद, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, इसे आप शॉर्ट में मैथ या मैथ्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एम ए टी एच ये गलत है, शॉर्ट वर्ड अगर लिखते हैं तो सही शब्द ये है मैथ्स, इसमें यस होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स लिखते हैं ना तो लास्ट में यस होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स लिखते हैं, ये एम ए टी एच बहुत लोग लिख देते हैं मैथ, बट वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला भाग है वो मैथ्स है, यानी कि मैथमेटिक्स है। दूसरे भाग को हिंदी में काली बोलते हैं, क्रियापाद, या इसे कैलकुलेशन ऑफ टाइम बोलते हैं, समय का मतलब गणना। तीसरा पाद में गोपाल पाद बोलते हैं इसको, जिसे बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर मतलब आप जानते हैं गोला से संबंधित होता है, जो आकृतियों पर निर्भर होता है, तो वो अलग होता है। ये आपके आर्यसटम के दो भाग हैं, मतलब तीन भाग हैं। और अगर बात करें आर्यभट्ट के बारे में, तो इनके बारे में एक ये भी सत्य तथ्य है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं जो होती हैं, इनके बारे में इन्होंने सटीक व्याख्या किया, अध्ययन किया था। और इतना ही नहीं, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती, जिसका नाम था क्या, लीलावती, इसको अकबर ने, किसने, अकबर ने फैजी द्वारा इसे फारसी में अनुवाद करवाया था। क्यों? क्योंकि जो पश्चात विद्वान थे उन्होंने क्या किया था, इनके इस ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अगर आप हिंदी पढ़े तो आपको मालूम होगा भूरी भूरी प्रशंसा मतलब क्या होता है, अब आप खुद समझ गए होंगे। आपे तो ज्यादा नहीं समझ में आता हिंदी, लेकिन बस इतना जानते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। जिसमें इन्होंने क्या लिखा था जो इतनी प्रशंसा की थी, इसमें इन्होंने लिखा था दो राशियों का गुणन और अंतर जानकर राशि निकालना। जैसे आपसे कहा जाए कि दो राशियों का गुणनफल 10 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसे आप सिंपल में निकाल लेंगे। हमने कहा कि दो राशियों का गुणनफल क्या है, 10 है, और एक संख्या जो है इसमें क्या है, 5 है, तो दूसरी क्या होगी, आप समझ गए होंगे क्या होगी, सभी लोग समझ गए होंगे। ये भी गणित के नियम पर ही आधारित है, इसका भी फार्मूला है जिसको आर्यभट्ट ने इसमें वर्णन किया है। दूसरा इन्होंने एक ये भी वर्णन किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए भी होता है, ये भी इसी ग्रंथ में मिलता है। जो आप पढ़ते आते हैं ना बीजगणित, रेखागणित रटते हैं, इसका अलग अलग पार्ट में गणितज्ञों ने अलग अलग समय में खोज किया था। भिन्न के हरों को समान हरों में बदलना, ये भी लीलावती नामक ग्रंथ में दर्ज किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे जानकारी को समझ गए होंगे। तो हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ आगे का तथ्य बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आर्यभट्ट के कुछ अनमोल धरोहर के बारे में। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ऐसे नहीं चले गए, इन्होंने बहुत सी अनमोल धरोहर भी देख किया है। देखिए, गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ये जो कुछ दिया है आपके सामने है, क्षेत्रमिति के क्षेत्र में, क्षेत्रमिति जानते हैं, अरे जो एडवांस मैथ के अंतर्गत आपका आता है, क्षेत्रफल जिसे एरिया बोलते हैं, और घनफल के संबंध में इन्होंने गोले का क्षेत्रफल का सूत्र दिया। जैसे अगर कोई एक गोला है या कोई बॉल है तो उस बॉल का क्या क्षेत्रफल है, इन्होंने इसका सूत्र दिया 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना क्या होता है, ये फार्मूला इन्होंने ही दिया। और इतना ही नहीं, यहीं पर नहीं रुके ये, इन्होंने किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर शून्य आएगा इसकी भी कल्पना किया था। और इनकी एक उपलब्धि के बारे में बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी चपटी है, तो इसके संबंध में भी इन्होंने अपना तथ्य दिया और प्रमाण दिया। गोलाध्याय में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। करड़ी जिसे बोलते हैं अंडर रूट, करड़ी के बारे में आपने बहुत से तथ्य पढ़े होंगे, तो करड़ी के बारे में भी आर्यभट्ट जी ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है, यानी कि एक प्रकार से ऐसा समझें कि करड़ी की खोज भी इन्होंने ही किया था। और एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, जो लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और प्लस साइन बी, ये फार्मूला इनके श्लोकों में पाया गया। यानी एक प्रकार से ये समझिए
कि त्रिकोणमिति में भी इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो मित्रों ये थी कुछ जानकारियां जो आपने देखा आर्यभट्ट के बारे में। इनके संबंध में अभी कुछ और भी तथ्य हैं जो कि आपको हम दिखाएंगे, बस तुरंत उन्हें भी देख लीजिएगा। इनके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अनअकैडमी और फेसबुक पर फॉलो कर लें। इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? इससे आपको बहुत सारा फायदा ये होगा कि आप पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और अदर सब्जेक्ट की क्लास जो है आप देख पाएंगे, इन्हें नॉन मैथ मतलब जो मैथ नहीं होगी उसको, ठीक है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक जानकारी बता दूं इन बातों को बताने से पहले कि अनअकैडमी पर पीवीआर स्टडी की प्लस क्लासेज भी शुरू होने वाली है। प्लस क्लासेज का मतलब हम आपको एक अलग क्लास में बताएंगे अच्छे से, जिसपे अनअकैडमी पर आप लोग पेमेंट करके पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे भाई सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो मैं पेमेंट क्यों करूं? ये दुनिया में आजकल मिट्टी भी फ्री में नहीं मिलती है। ये जो आपको मिल रही क्लास ना, क्या आप जानते हैं कंप्लीट और फिर एक जैसे मिलनी चाहिए उस तरीके से मिल रही? शायद उस तरीके से नहीं मिल रही होगी। उसे जब आप देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था उसके आगे। जी हाँ, तो उसके बारे में आप अगली क्लास में देखिएगा। pvrstudy.com पर विजिट करिएगा, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। करंट अफेयर जीके जीएस पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। तो आज ही विजिट करें pvrstudy.com। और बेसिक मैथ के लिए आपको पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिससे कि आप और आगे बढ़ सकें। जी हाँ, तो चलते हैं आर्यभट्ट के पास। आर्यभट्ट जी ने डिफरेंशियल कैलकुलस तथा एसीएनट के भी सबसे पहले उदाहरण दिए थे पूरे विश्व में। आपने देखा होगा कैलकुलस 12th में है, जिसमें वो डिफरेंशियल निकालते हैं ना ऐसे करके, वो होता है ना ये एक्स स्क्वायर और इधर डी एक्स। आपने 12th में अगर मैथ पढ़ा था आपको मालूम होगा, समझ रहे ना? हाँ, तो ये कैलकुलस में है। कैलकुलस में भी इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन सभी बातों को लेते हुए आगे बढ़े तो इन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण तर्क दिया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इन्होंने धारणात्मक शक्ति बताया। धारणात्मक शक्ति का मतलब जानते हैं? कमेंट करिएगा अगर आपको आता है, तो नहीं आता तब भी करिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मैं राजकुमार दुवंशी फिर से मिलूंगा आपकी अगली एक नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये क्लास बहुत छोटी क्यों होती है? दोस्तों माफी चाहते हैं, बस थोड़े दिन की बात है, इंटरनेट की समस्या जो है जल्दी ही ये सब सही होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। अब तक तो उम्मीद थी कि कुंभ के बाद सब सही हो जाएगा, लगभग सही हो चुका है सारा सिस्टम। आपकी लाइव फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि आप देखेंगे पूरे 1 से 2 घंटे की लाइव बिल्कुल बिना टेंशन के। तो आप परेशान ना हो, आपकी जल्दी ही 2 घंटे वाली क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आप अनुभव करेंगे तो जो 2 घंटे की क्लास होती है ना, उसमें क्या 2 घंटे का मटेरियल नहीं मिलता है? उसमें बातचीत ज्यादा हो जाती है। यानी आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपके जवाब देंगे, फिर आप लोग कुछ और बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे, तो वर्क कम हो पाता है, बातचीत ज्यादा हो जाती है। ऐसे काफी लोगों को बुरा भी लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ वीडियो जो है लाइव से ज्यादा बेटर होता है। आप लोग अपने विचारों को जरूर बताइएगा, आपको लाइव ज्यादा बेटर लगता है या फिर वीडियो? अंतर दोनों में मैं बता दूं, लाइव में अगर 1 घंटे की क्लास होती है, जितना मटेरियल कवर किया जाता है उतना मटेरियल 10-15 मिनट की क्लास में कवर हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा बोलते नहीं इसमें, केवल पढ़ाते हैं। और उसमें क्या होता है, आप लोग कमेंट करेंगे, हम आपका जवाब देंगे, फिर ज्यादा बातचीत हो जाती है। तो आप जरूर बताइएगा आप लाइव चाहते हैं या फिर वीडियो चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, हजारों बार नमन। और इन्हीं के साथ मैं आपसे एक और भी कहना चाहता हूं कि इस क्लास को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा, और आप करेंगे भी यही उम्मीद है आपसे, तो इस उम्मीद को मत तोड़िएगा, ठीक है ना? शेयर करेंगे ना, और क्लास को लाइक करके जाइएगा बाबू। अगर आप लाइक करेंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे ऊपर, और अगर आप योगदान करेंगे तो फिर कुछ तो मिलेगा ही ना। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।